बेटी का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे तो तुम जवाब क्या देते? नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन में कोई प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में न मैं रहूंगी न तुम होगी। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं, शायद तुमको विश्वास नहीं। 21वीं सदी के इस युग में एक क्रांति होनी चाहिए, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाना चाहिए। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला, कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्टडीज एंड फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। मैं नाबार्ड और गवर्नर हाउस का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझको ये मौका दिया गया कि यहाँ मैं आकर के कुछ बातें अपनी साथ की महिलाओं से साझा कर पाऊँ। मेरा नाम आशा है और हम जिला उन्नाव से आए हैं, अवध ग्रामीण विकास सेवा संस्थान है। नाबार्ड द्वारा जो महिलाओं का ये महिला सशक्तिकरण जो चल रहा है, तो आर्थिक विकास के लिए जो महिलाएँ हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई हुई हैं और जो कार्य कर रही हैं, छोटे मोटे काम कर रही हैं, तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। Today I am very happy to say that we are 6.47 lakh more students. Despite the pandemic, some of the good things that have happened is a great amount of emphasis has been given on the infrastructure. On our request, Government of India was very gracious enough to accept our request and give RADF increased the limit from 30,000 to 40,000 crores. We are looking into another aspect, creating new institutions like FPOs and SFGs and the federations and others. And the third one is with regard to increasing the accessibility to the credit. And the fourth one is with regard to that financial inclusion initiative. कृषि क्षेत्र ने कोविड से और उस महामारी के दौरान जो आर्थिक मंदी आई उससे लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। को नमस्कार। नाबार्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से आप सबका अभिनंदन। मैं आया था राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदया जी को आमंत्रित करने कि नाबार्ड में आके एक हम छोटा सा एक महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कार्यक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन उनका निर्देश और इच्छा ये हुई कि राजभवन में ये कार्यक्रम किया जाए। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से ऐसा मानना है कि ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में नाबार्ड और क्या क्या अधिक इनके लिए कर सकता है उसकी। हमारा नारा इस वर्ष यह है कि हम स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर महिलाओं को अग्रसर करें और इसमें जितना हो सके उनको फैसिलिटेट करें। आज हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि नाबार्ड के द्वारा हमें प्रशिक्षण जो दिए गए हैं आज उसके माध्यम से हम इस स्थान पर खड़े हैं। आज का दिन हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा ग्रुप है। सिर्फ 3 ही जगह में हम काम करना है, एक है तो आत्मनिर्भर किसान, दूसरा आत्मनिर्भर महिला और तीसरा आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल। मुझे खुशी है कि नाबार्ड निरंतर अपने काम का विस्तार भी किया है और समाज के भीतर सामाजिक आर्थिक उन्नयन के साथ साथ जागरूकता भी कैसे पैदा हो उस दिशा में एक विशेष पहल की है। राज्य के सभी जिलों से आई हमारी ग्रामीण बहनों का अनेक धन्यवाद जिन्होंने इस महोत्सव में पूरी उत्साह से भाग लिया है।